साथियों, आज मेरा वीडियो है कि एमएस से पीडीएफ में किस तरह से बदलते हैं एचआरएमएस के लिए। आजकल हम लोग एचआरएमएस में पीडीएफ फाइल की ज़रूरत पड़ रही है, डायरेक्ट फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों हो तो हम लोग इमेज को, फ़ोटो को पीडीएफ में किस तरह से बदले, आज का ये मेरा वीडियो है। तो दोस्तों, मैं देवीदास, मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठवरे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करेंगे जो इमेज टू पीडीएफ में बदलने के लिए, उसका इंटरफेस इस तरह से रहेगा। तो दोस्तों, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। ये हमने इमेज टू पीडीएफ को क्लिक कर दिया है। ये जेपीजी फाइल है सो दोस्तों, ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाती है। आजकल एचआरएमएस में हम लोगों को डायरेक्ट फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है दोस्तों, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारा ये इंटरफेस आ गया है जो जेपीजी का पीडीएफ में बदलने के लिए। तो ये खुलने के बाद दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस आइकन दिख रहे हैं इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक के ऊपर जो गैलरी में आप सबसे पहले फ़ोटो ले लेना है, साफ़ सुथरी अच्छी फ़ोटो ले लेना है, और फिर प्लस के आइकन पर प्रेस करके गैलरी में जाना है, जो मैं अभी गैलरी में जाऊंगा। अब गैलरी में दोस्तों, आपने जो फ़ोटो ली है वो व्हाट्सएप में है, कौन से फाइल में है या कैमरा में है वो देखना है और फिर आगे बढ़ना है। तो मेरे दोस्तों, फ़ोटो ये व्हाट्सएप में है। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं जैसे कि एक फ़ोटो को मैं आपको अपलोड करके बताऊँगा, जो भी मेरी फाइल है। तो दोस्तों, ये मेरी मेडिकल की डायरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, राइट हो गया, उसके ऊपर फिर बाद में डन कर देना है। डन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, ये हमारी फाइल आ गई है। अब ये इसको क्या करेंगे, हम लोग इस फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये क्लिक होने के बाद में इसके ऊपर राइट कर देंगे, ये ऊपर का कॉर्नर में, और यहाँ आपको नाम दे देना है। नाम कैसा देना है कि ये पीडीएफ में जाने के बाद में उस फाइल को आप ढूंढते रहोगे और आपको मिलेगी नहीं, इसलिए आपको नाम दे देना है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, मैं ये एक नाम दे देता हूँ, देवीदास लिख दिया दोस्तों। ये मेडिकल की डायरी है तो इसलिए हम इसको मेट कर दे देता हूँ। सुनो, अगर ये आधार होता तो अपन इसको आधार नाम दे देना है, और भी कोई आपके पास प्रूफ हो तो उसको वो नाम देना है आपके नाम के आगे, ताकि वो आसानी से आपको पहचानने आ सके, हाँ भाई इसी फाइल, यही मेरी फाइल है और इसको मैं अपलोड करना है। तो दोस्तों, इसके बाद नाम देने के बाद क्या दिया, देवीदास मेट दे दिया, मतलब मेडिकल डायरी है का फोटो है इसलिए। अब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओके दबा देंगे। ओके हम लोग दबा देंगे। दोस्तों, ये बोल रहा है कि इस नाम से पहले से फाइल है, तो मैं मेडिकल एम कर देता हूँ, देवीदास एम। तो दोस्तों, ये देखो, ये अभी मेरी फाइल कन्वर्ट हो गई है। प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीडीएफ ऊपर ही लिखा हुआ है, पीडीएफ देवीदास एम, मतलब मेडिकल डायरी डॉट पीडीएफ। तो दोस्तों, ये आपकी फाइल अभी पीडीएफ में बदल चुकी है। अभी ये आपको एचआरएमएस के फैमिली डिक्लेरेशन में इसको चूज करके पीडीएफ से वहाँ अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, तो ये है तरीका फ़ोटो को पीडीएफ में बदलने का। और दोस्तों, इसी फाइल को मैं अभी आपको पीडीएफ फाइल में बता देता हूँ कि वो कहाँ है। ये तो हो गई ऐप में, आपको यही बता देता हूँ कि वो फाइल अभी मुझे कहाँ मिलेगी। ये मैं गया फाइल में, अंदर डिवाइस पे गया और उसको मैंने नाम दे दिया था, देवीदास एम। तो दोस्तों हो, देखो इतनी सारी फाइलें होती है, मेरे इसमें है तो आपके भी इसमें हो, फोन में होगी, तो इसलिए एक नाम दे देना है उसको, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो इतने सारे नाम से है। तो दोस्तों, ये देखो, ये है देवीदास एम, देख रहे हैं दोस्तों, ये है 200
और 47.5 KB की। तो दोस्तों HRMS के लिए 2 MB से कम की फाइल होना ज़रूरी है। तो यहाँ आपको KB भी दिखाई देगा, ये है 247.5 की। इसका मतलब ये है हम लोग आसानी से HRMS में अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।